विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा है कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खादों व कीटनाशक दवाइयों के उपयोग के कारण खाद्यान्न जहरीले हो गए हैं। इससे लोगों में अनेक लाइलाज बीमारियां पैदा हो रही हैं। प्राकृतिक खेती में लागत कम है, बस सेहत के लिए भी फायदेमंद है। ये बात उन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण के माध्यम से शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर गसोता में किसान गोष्ठी और प्रदर्शनी के अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कही। गोष्ठी में जिला के सभी विकास खंडों से आए 300 किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए गए। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने तथा आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए इसे अपनाना होगा। इसी पद्धति से किसानों की आय 2022 तक दुगना करने का प्रधानमंत्री का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर नरेंद्र ठाकुर ने किसानों द्वारा लगाई गई प्राकृतिक खेती के उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान आत्मा परियोजना निदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने बताया कि शून्य लागत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रूपए अधिकतम या 50% गौशाला का फर्श व गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए 8,000 तथा गौमूत्र स्टोरेज ड्रम संग्रहण के लिए अधिकतम 2,250 रूपए का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों के आर्थिक स्तर को बेहतर बनाने तथा स्वच्छ उत्पादों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसानों नामक योजना आरंभ की गई है। जिले में वर्तमान समय में करीब 1,000 किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं और वर्ष 2020 तक विभाग द्वारा करीब 4,000 से अधिक किसानों को इस पद्धति से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत नालटी ज्योति प्रकाश शर्मा, विशाल पठानिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। धर्मशाला विधानसभा से उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए विशाल नेहरिया ने समर्थकों सहित इंद्रू नाग मंदिर में माथा टेका और इसके बाद विशाल नेहरिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता व कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर के घर जाकर आशीर्वाद लिया। नेहरिया को प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखा। मीडिया से बातचीत में नेहरिया ने कहा कि वे कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, सांसद किशन कपूर सहित भाजपा के आला नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। विशाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में 20,000 पार का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से वे बड़ी जीत दर्ज कर धर्मशाला के विकास को गति देंगे। उन्होंने कहा कि वे सांसद किशन कपूर के साथ मिलकर मुख्यमंत्री के सहयोग से धर्मशाला के विकास को नया आयाम देंगे। भाजपा प्रत्याशी ने देर शाम पालमपुर जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार से भी आशीर्वाद लिया। धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। 20 जुलाई 1988 को जन्मे विशाल नेहरिया वर्ष 2007-08 में धर्मशाला कॉलेज में एबीवीपी इकाई अध्यक्ष रहे। वहीं वर्ष 2009 में धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र में लॉ की पढ़ाई के दौरान नेहरिया एबीवीपी की ओर से SCA अध्यक्ष चुने गए। वहीं वर्ष 2009-10 में नेहरिया स्टूडेंट काउंसिलिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सचिव चुने गए। नेहरिया ने धर्मशाला कॉलेज से MA इंग्लिश की पढ़ाई भी की। इसके बाद विशाल नेहरिया ने बाजुमो में प्रवेश किया और उन्हें प्रदेश सचिव सहित विभिन्न पदों पर कार्य करने का मौका मिला। पेशे से वकील विशाल नेहरिया ने कुछ समय तक धर्मशाला में वकालत की, जबकि अधिकतर समय नेहरिया संगठन कार्य में ही लगे रहे। वैश्विक विकास के लिए कृषि, पर्यावरण और अनुप्रिय विज्ञान में उन्नत विषय का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर YS परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। कृषि पर्यावरण विकास सोसाइटी और नौणी विश्वविद्यालय इस सम्मेलन को कायरा विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित कर रहे हैं।
सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय आयोजन में भारत के 15 राज्यों के अलावा विदेशों से भी प्रतिभागी भाग लेने पहुंचे हैं। सम्मेलन के दौरान कृषि वानिकी और समृद्ध विज्ञान पर समग्र रूप से चर्चा की गई ताकि समाज के सशक्त विकास में इसका योगदान हो सके। विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय गेहूं अनुसंधान और जौ अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के अलावा कई संस्थाओं से आए वैज्ञानिक इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और अपना अनुसंधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सम्मेलन प्रख्यात वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विद्वानों और छात्रों के लिए एक मंच लेकर आया है ताकि सशक्त विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की GDP में जहां किसानों का अहम योगदान है, वहीं प्राकृतिक खेती के बारे में उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में काफी बल दिया जा सकता है और जिसका परिणाम है कि जहां पहले केवल 5,000 किसानों ही इस खेती के द्वारा खेती करते थे, वहीं अब इसे प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।